हेलो बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड का 9 चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शंस। तो डेसिमल फ्रैक्शंस में हमने जो हमारी एक्सरसाइज 40 है वो कंप्लीट की है। अब हम प्रॉब्लम सेट 41 देखने वाले हैं। प्रॉब्लम सेट 40 कंप्लीट किया है हमने, और हमारा जो पिछला चैप्टर है जो 8 चैप्टर मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स वो भी कंप्लीट हो गए हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट भी है बच्चों, तो आपने अगर नहीं देखे हो वीडियोस तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में से। और जो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन चल रहा है उसमें से अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हो बच्चों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने को मिलेंगे। और अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपका वीडियो मिस नहीं होगा, तो आप मेरे सब वीडियो देख पाएंगे बच्चों। और आपका जो मैथ्स है वो अच्छा करने के लिए हर रोज थोड़ा मैथ्स करना भी जरूरी है बच्चों, तो आप वीडियो देखते रहेगा और मैथ्स करते रहेगा तो आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सेट। तो प्रॉब्लम सेट 41 है, ये प्रॉब्लम सेट 41 तो लिखा नहीं है मैंने, तो अब यहां लिख लेते हैं बच्चों। प्रॉब्लम सेट 41 है हमारा, प्रॉब्लम सेट 41। तो 41 में से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखने वाले हैं हम। तो इसकी इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं है, आपने देखा है सब। अब आपको एडिशन सीखनी है इसकी, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो प्रॉब्लम सेट 41 है उसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड एड देम। तो क्या करना है, कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में और उसकी एड मतलब एडिशन करनी है बच्चों। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1.5 meter एंड 2.5 meters। तो हमें 1.5 meter मतलब कितना ये देखना है पहले, तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन में बच्चों। तो सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे क्या, तो 1.5 meter कितना है, तो लिखते हैं 1 and नीचे ही लिखते हैं हम 1.5 meter मतलब कितना। तो हमने देखा है हाफ कितना होता है और क्वार्टर कितना होता है, ये सब हमने देखा है। तो हाफ ये कितना है ये देखना है, अब ये 1 मतलब 1 देखना है आपको। एंड हाफ मीटर, तो हाफ मीटर मतलब कितना, तो हाफ मतलब 1/2 होता है, तो वो पहले आपको लिखना है 1/2। और मीटर भी इसके आगे लिखना है क्योंकि ये मीटर में है, तो मीटर लिखा बच्चों। अब क्या करना है, तो जो नेक्स्ट दिया है हमें एडिशन के लिए 2.5 meters उसका देखना है, तो उसका कितना होगा ये देखते हैं पहले। 2.5 meter, हाफ मीटर्स, तो 2.5 meters है ये, तो लिख लेते हैं 2 पहले। एंड हाफ मतलब 1/2 और मीटर में है इसीलिए मीटर लिखा। अब
इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है और उसकी एडिशन करनी है। तो डेसिमल फ्रैक्शन में आपको हाफ को क्या बताया था, 0.5 या 0.50। तो चलिए अब लिखते हैं, हम आगे ही एडिशन करेंगे। 1 पहले जैसा है वैसा लिखेंगे बच्चों, और पॉइंट देंगे, और जो हाफ है उसका है 5, तो 0.5 आ गया हमारा, 1.5 लिखा हमने। अब क्या करना है, एडिशन करनी है, मीटर आगे लिख लेते हैं, और 2.5 मतलब कितना ये लिखना है। तो 2 लिखा बच्चों पहले, 2 जो है, हाफ मतलब कितना, तो 0.5, और इसके आगे मीटर भी लिखा। तो ये एडिशन करनी है हमें, इसीलिए एडिशन का साइन दिया। तो एडिशन का साइन देखकर अब हमें एडिशन करनी है। जैसे हम एडिशन करते हैं वैसे ही है, सिर्फ कुछ जो रूल्स है वो देखने हैं हमें। तो चलिए इसकी एडिशन करना स्टार्ट कर देते हैं। 5 और 5 10 हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ 0 और 1 आएगा कैरी, तो ऊपर 1 लिखेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा, और 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो यहाँ आ गया 4। जैसा डेसिमल पॉइंट बीच में है वैसा ही बीच में डेसिमल पॉइंट को लिखना है। अब आंसर क्या आएगा, तो ये मीटर आ गया है बच्चों, तो मीटर लिखा। अब इसको आंसर में भी लिखना है कि 4 meters। अगर 0 है आगे तो वो बोलना जरूरी नहीं है, तो हम 4 meters भी बोल सकते हैं, क्योंकि 0 को कुछ वैल्यू नहीं है। तो आंसर आ गया 4 meters। तो लिखते हैं नीचे आंसर 4 meters। तो 4 meters आ गया। तो अब नेक्स्ट देखना है हमें, तो आपको पता चल गया होगा कि क्या करना है। हाफ को पहले लिखा, फिर डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा, और उसकी जैसे एडिशन करनी है वैसे ही गई, लेकिन जो डेसिमल पॉइंट जहां है वहां डेसिमल पॉइंट भी देना है, और 0 अगर आगे है तो उसको बोलना जरूरी नहीं है। तो 4 meters लिखा। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल है 4 3/4, तो पहले उसका लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, पहले सॉल्यूशन में पहले लिखना है क्या, 4 3/4, 4 3/4, 3/4 रुपीज है, तो रुपीज भी लिखने हैं। तो 4 3/4 रुपीज है, तो कितने होते हैं 4 3/4 रुपीज, वो लिखते हैं। तो जगह बचा कर रखेंगे, अगर हमें लिखना है आगे तो जगह चाहिए। तो 3/4 रुपीज मतलब कितना, पहले 4 लिखना है, 4 है, और एंड 3/4 रुपीज है, 3/4 मतलब कितने, 3/4, तो 3/4 लिखा। तो अब क्या लिखना है नेक्स्ट, जो है 7 1/4 रुपीज, तो उसके लिख लेते हैं 7 1/4 रुपीज। 7 है तो 7 लिखा बच्चों, एंड अ क्वार्टर है, सिर्फ क्वार्टर है, तो 1/4 लिखना है आपको, और 3/4 हो गए, 3/4 लिखना है, तो यहाँ 1/4 है, सिर्फ क्वार्टर है मतलब 1/4 है, तो 1/4 लिखा। तो 7 पूरा है, 1/4 है, तो अब इसको एडिशन करनी है, डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना 4.3/4 का क्या होता है बच्चों, 0.75 होता है,
तो 75 वो आपको याद रखना है और 4.75 लिखा। अब 7 जैसा है वैसा लिखते हैं और पॉइंट के आगे क्या है तो क्वार्टर है, 1/4 है, मतलब 25। तो 25 लिखा और इसकी एडिशन है बच्चों, तो एडिशन करनी है तो भाई और भाई कितने हो गए, 10 हो गए, तो 10 लिखा, 1 जो है वो कैरी किया, तो 7 और 1 8 हो गए और 2 9 10 हो गए, तो 10 में से 0 यहाँ लिखा, 1 जो है वो अगला जो है हमारा प्लेस उसमें कैरी किया और पॉइंट जहाँ है वहां ही देना है और एडिशन करनी है। नेक्स्ट 4 और 1 5 हो गया और 5 और 7 12 हो गए बच्चों, तो 5 के आगे बोलना है 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 आ गया है, तो 12.00 आ गया है। तो इसके आगे रुपीज है बच्चों, ये क्या है, रुपीज है, तो रुपीज भी लिख सकते हैं हम यहाँ, अगर नहीं लिखे तो लास्ट आंसर में भी लिख सकते हैं, अगर हमें ऐसे लिखने हैं तो ऐसे रुपीज भी लिख सकते हैं, पहले ऐसा र लिखना है तो रुपीज हो गए ये, तो ये रुपीज ऐसे भी हम लिख सकते हैं, तो 12 रुपीज आ गए हैं हमारे बच्चों। और इसको हम 00 नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। अब आंसर लिखना है आपको, आंसर क्या आ गया है हमारा, ₹12, तो 12 रुपीज आ गया है। 0.00 लिखेंगे तो भी चलता है, नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, तो 12 रुपीज हमारे आ गए हैं। अब देखना है नेक्स्ट जो 1 एग्जांपल है इस क्वेश्चन में, तो आपको समझ में आया होगा, तो क्वार्टर किसे कहते हैं, आप किसे कहते हैं, लिखते कैसे हैं और डेसिमल फ्रैक्शन में उसकी एडिशन कैसी करनी है, तो आप अच्छे से देख लीजिए, जैसी एडिशन है वैसी ही करनी है, लेकिन डेसिमल पॉइंट को याद रखना है और आगे आपको थोड़ा सा डिफरेंट आएगा तो मैं बता दूंगी कि कैसे डेसिमल फ्रैक्शन लिखना है, लेकिन ये जैसी एडिशन है वैसी आपको करनी है। तो चलिए थर्ड एग्जांपल देखने के लिए मैं ये रब कर देती हूँ, क्योंकि हमें थर्ड एग्जांपल देखना है। अब थर्ड एग्जांपल क्या है देखते हैं, थर्ड एग्जांपल हमारा है 6.5 meters, 6.5 meters क्या है बच्चों, 6.5 meters and क्या है बच्चों, three quarter meters। तो ये हमारा एग्जाम्पल थोड़े एग्जाम्पल है बच्चों, अब देखना है क्या लिखना है, तो चलिए देखते हैं। पहले लिखते हैं 6.5 meters, तो चलिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं, 6.5 meters जो पहले है वो पहले लिख लेते हैं, तो 6.5 meters है बच्चों,
तो ये लिखा और इसका अब क्या मीनिंग है वो लिखते हैं। तो पहले सिक्स लिखना है, सिक्स लिखा, हाफ मीटर है, हाफ मतलब 1/2 है, तो वो लिखा बच्चों। अब नेक्स्ट देखना है थ्री एंड थ्री क्वार्टर मीटर्स, तो लिख लेते हैं थ्री एंड अ थ्री क्वार्टर मीटर्स, थ्री क्वार्टर मीटर्स मीटर्स, तो मीटर्स भी लिखा। अब क्या करना है इसका मीनिंग लिखना है बच्चों। तो इसका मीनिंग है थ्री मतलब थ्री लिखना है एंड अ थ्री क्वार्टर मीटर्स, तो थ्री क्वार्टर मीटर मतलब 3/4 लिखना है। तो इसके आगे आप मीटर भी लिख सकते हो, तो मीटर लिखा। अब इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है और इसकी एडिशन करनी है। तो पहले हम लिखते हैं सिक्स जैसा है, पॉइंट लिखा, हाफ मतलब कितना है 0.5 और 0.50 भी बोल सकते हैं, 0.5 लिखा। और क्या करना है नेक्स्ट देखना है थ्री और 3/4, तो 3 और 3/4 में पहले 3 लिखना है जैसा है वैसा, और 3/4 मतलब 3/4 मतलब क्या है, तो 3/4 मतलब 75 है, तो 75 आपको लिखना है। तो 75 लिखा, तो अब 75 कहाँ लिखना है ये भी आपको देखना है। तो जब ऐसा आता है टू होते हैं प्लेसेस तब आप 50 भी लिख सकते हो, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा और लिखने में भी आपको अच्छा लगेगा। तो 3.75 हमें लिखना है, इसीलिए 50 लिया मैंने, क्योंकि 5 लिखा तो भी चलता है और 50 लिखा तो भी चलता है, आपको पता है। तो ये टू प्लेसेस आए हैं इसीलिए मैंने 50 लिया। अब एडिशन करनी है बच्चों, तो चलिए ऐड कीजिए 0 और 5 हो गया, और 5 के आगे 7 बोलिए तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो जाएगा। तो 2 लिखा और 1 कैरी किया इधर, तो 6 और 1 7 हो गया, 7 के आगे 3 बोलना है, 8 9 10, तो 10 हो गए, तो 10 लिखा। तो यहाँ मीटर है तो आगे मीटर भी हमें लिखना है, तो ये हो गए हमारे मीटर 10.25 meters। तो आंसर लिखते हैं 10.25 meters, तो ये मीटर्स में लिखा बच्चों। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो ऐड करना है हमें, तो वो इजी है, हम फटाफट से कर लेंगे बच्चों, फिर देखना है प्लेसेस को और एडिशन बराबर करनी है। तो चलिए ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया है, अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो आपको हाफ क्या है, क्वार्टर क्या है, थ्री क्वार्टर क्या है, डेसिमल पॉइंट को भी याद रखना है, डेसिमल पॉइंट को भूलना नहीं है, जहां है वहां आपको डेसिमल पॉइंट भी देना है, तो ही आपको आंसर अच्छे से लिखना आ जाएगा बच्चों। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा एडिशन है, सिर्फ ऐड करना है आपको, जो हमें एग्जाम्पल दिया है वो आपको ऐड करना है। तो चलिए करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में है, पहला है 23.4, तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, और उसमें से हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो है 23.4
प्लस 87.9। तो लिखा, अब हमें एडिशन करनी है, तो ऐड करने के लिए लिख लेते हैं बच्चों। तो 23 जैसा है वैसा लिखा, थोड़ा थोड़ा जगह बीच में थोड़ी है थोड़ी सी, क्योंकि हमें एडिशन अच्छे से करनी पड़ेगी। तो 0.4 आगे लिखा, अब 87 है बच्चों, तो 87 लिखा, पॉइंट दिया और 9.4 के नीचे लिखा। तो इसकी करनी है एडिशन, तो ऐड कीजिए। चलिए, तो पहला है हमारा 23.4 और 87.9। तो चलिए 4 फिंगर्स लीजिए और 9 के आगे बोलिए, तो 10, 11, 13, 14 हो जाएगा। तो क्या लिखना है, 9, 10, 11, 12, 13 हो जाएगा। तो 13 लिखेंगे और 1 कैरी करेंगे, तो 9 के आगे 4 बोला, तो 10, 11, 12, 13 हो गया। 3 यहाँ लिखा, 1 कैरी किया, और ये जो डेसिमल पॉइंट है वो भी देना है यहाँ, और फिर कैरी करना है, 3 और 1 4 हो जाएगा। और 4 और 7 को देखना है, तो 4 के आगे 7 बोलिए, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 आ जाएगा। तो 11 में से 1 यहाँ लिखना है, 1 कैरी करना है, तो 1 कैरी किया, तो 2 और 1 3 हो गया बच्चों। और 8 के आगे 3 बोलना है आपको, तो 9, 10, 11 आ गया, तो यहाँ 11 लिखते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 111.3। तो आंसर भी लिखना है तो आप नीचे लिख सकते हो 111.3। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो अब नेक्स्ट देखना है सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है 35.74 प्लस 816.6। अब देखिए, अब 3 जो है प्लस है वो 3 प्लेसेस है, तो यूनिट टेंस 100 प्लस भी है, तो इसकी एडिशन आपको करनी है। तो पहले लिख लेते हैं कैसा लिखना है। 35 लिखा, थोड़ी बीच में जगह छोड़ते हैं और अच्छे से लिखना है। जगह छोड़ के एडिशन की तो आपको रॉन्ग नहीं आएगा, तो चलिए प्लस करते हैं। 8016 लिखना है आपको, तो उल्टा लिखते हैं। अगर आपने यहां से चालू किया तो नहीं चलेगा, कहीं भी लिखा तो नहीं चलेगा, जहां प्लस है उसकी वही लिखना है बच्चों। तो उल्टा लिख लेते हैं, यहाँ 6 लिखते हैं पहले और 1 यहाँ लिखते हैं, और 8 जो है वो इधर आएगा 100 प्लस में, क्योंकि यहाँ 100 प्लस में कोई नंबर नहीं है, लेकिन ये 100 प्लस में 8 आ जाएगा। और पॉइंट की जगह पॉइंट और 6 आगे जैसा है वैसा। तो कैसे लिखा देखिए, और आगे आपको अगर 0 लगाना है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 0.6 का मतलब 60 भी है, तो आपको 0 लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको एडिशन करने में आसान होगा। तो ये आपको याद रखना है, यूनिट टेंस हंड्रेड्स बोल के लिखना है। इधर भी प्लेसेस अगर कम ज्यादा है तो आपको देखने हैं कहाँ लिखने हैं बच्चों। तो चलिए अब एडिशन कीजिए, 4 और 0 4 हो जाएगा, और 6 के आगे 7 के आगे 6 बोला तो भी चलेगा। चलिए 6 फिंगर्स लीजिए और बोलिए 7 के आगे, तो 7 के आगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो जाएगा। तो 13 लिखना है हमें, तो 13 में से 3 यहाँ लिखना है बच्चों, और 1 कैरी करना है, तो किया, पॉइंट भी दिया, जहां है वहां पॉइंट दिया। अब 5 और 1 6 हो जाएंगे,
और 6 और 6 12 हो जाएंगे, तो 2 यहाँ लिखा, 1 कैरी किया। अब बच्चों एडिशन करनी है, 3 और 1 4 हो जाएगा और 4 के आगे 1 बोला तो 5 हो जाएगा, तो 5 लिखा। अब 8 जो है वैसा है जैसा वैसा ही लिखना है, तो आंसर आ गया 852.34। तो आंसर लिखते हैं 852.34। तो आपको प्लेसेस की ओर देखना है, कहाँ लिखना है, जो प्लेस है वही लिखना है, अगर दूसरी जगह गया तो एडिशन रॉन्ग हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। क्या है हमारा थर्ड एग्जांपल, 6.95 प्लस 74.88। तो ये हमारा एग्जांपल है थर्ड एग्जांपल, 6.95 प्लस 74.88। तो चलिए लिख लेते हैं। तो पहले जगह थोड़ी थोड़ी बीच में छोड़नी है और अच्छे से लिखना है, तो 6.95 तो प्लस 74 है बच्चों, तो उल्टा लिखना है आपको, पॉइंट जहां वहां देना है और 4 लिखना है इधर से, तो यूनिट प्लेस से अगर आप लिखेंगे तो एडिशन गलत नहीं होगी। तो मैं यूनिट प्लेस से उल्टा लिखती हूँ, ये 74 को मैं उल्टा लिखती हूँ 4 और 7, और यहाँ एडिशन का साइन, और आगे है 88, तो 8 लिखा 8 लिखा, बराबर हो गया, लेकिन प्लेस को देखना है, तो 74 कहाँ लिखना है ये भी देखना है। तो चलिए अब एडिशन कीजिए, तो 5 फिंगर्स लीजिए, 8 के आगे बोलिए, कौन से भी फिंगर्स लिया और आगे बोला तो भी चलेगा, तो आपको 5 फिंगर्स लेने हैं और 8 के आगे बोलना है, तो बोलिए चलिए 9 10 11 12 13, तो 13 आ जाएगा। तो 13 में से 3 यहाँ लिखने वाले हैं हम, और 1 जो है वो आगे प्लेस में कैरी करेंगे, तो अगले प्लेस में कैरी करना है, नेक्स्ट प्लेस में कैरी करना है, तो किया। अब 9 और 1 10 हो गया बच्चों, और 10 के आगे 8 बोला तो 18 हो जाएगा, तो आपका 18 में से 8 यहाँ लिखा और 1 जो है वो नेक्स्ट प्लेस में कैरी किया, डेसिमल पॉइंट जहां है वहां मैंने लिखा है। और अब 6 और 1 7 हो गए बच्चों, और 7 के आगे 4 बोलना है, 8 9 10 11 11 हो गए, तो 11 में से 1 यहाँ लिखा, 1 कैरी किया, और 7 और 1 8 हो जाएंगे, तो 7 और 1 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो 8 लिखा, तो कितना आया 81.83। तो आंसर लिखिए नीचे 81.83। तो ये हो गया आपका थर्ड एग्जांपल। अब फोर्थ एग्जांपल देखना है, फोर्थ एग्जांपल है 41.03 प्लस 9.98। तो अब एडिशन करनी है बच्चों, आप अच्छे से लिखना है जो है वो, तो 41 जगह बीच में छोड़ के लिखा, पॉइंट डाला 03 लिखा, और क्या करना है इसको, ज्यादा जगह भी नहीं चलेगी तो थोड़ी थोड़ी बीच में जगह छोड़नी है, तो 03 लिखा। अब नेक्स्ट है 9.98, तो मैं अगर 9 यहाँ लिखूं और ऐसा लिखूं तो नहीं चलेगा बच्चों, क्योंकि ये जो 9 है वो यूनिट प्लेस में ही चाहिए, तो 9 लिखा। अब 98 है आगे, तो 98 लिखा, एडिशन है, प्लस साइन भी देना है, तो लिखा। अब चलिए कीजिए, 3 फिंगर्स लीजिए,
एट के आगे बोलिए नाइन टेन इलेवन। वन लिखा बच्चों वन कैरी किया और जीरो वन वन ही होगा और वन और नाइन टेन हो जाएगा। नाइन के आगे वन बोलिए तो टेन हो जाएगा। तो जीरो यहाँ लिखा और जहां पॉइंट है वहां दिया। पहले कैरी करता है करते हैं नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो कैरी किया वन, पॉइंट दिया जैसा है वैसा और वन टू हो गया। नाइन है नीचे, नाइन के आगे टू बोलिए तो टेन इलेवन हो जाएंगे। तो इलेवन में से वन लिखा, वन कैरी किया तो कैरी किया हुआ वन कितना हो जाएगा, फोर और वन फाइव हो जाएगा। तो फाइव लिखना है। अब आंसर देखिए क्या आ गया, 51.01। तो 51. क्या आ गया 01, ये आपका आंसर आ गया है। अब आपको नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन भी एडिशन ही है तो इजी है बच्चों, हम कर लेंगे। लेकिन प्लेसेस पर ध्यान देना है, जो यूनिट प्लेस है, जो टेंस प्लेस है, हंड्रेड प्लेस है, वही नंबर्स लिखने हैं। अगर आप उल्टे लिखेंगे यूनिट प्लेस से पॉइंट देना है और उल्टे लिखेंगे इधर के तो चलेगा, लेकिन वही लिखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी एडिशन ही है, सिर्फ आपको मीटर में और जो आपका यूनिट दिया है उसमें करने हैं, मीटर रुपीस। तो आप एडिशन कीजिए वो भी। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी इजी है हमारा बच्चों, तो हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा तो एडिशन है बच्चों, चलिए थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट एग्जांपल है 51.4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर दिया है और प्लस 68.5 cm। तो सेंटीमीटर दिया है ये भी, ये आपको एडिशन करनी है। तो लिख लेते हैं पहले 51.4। नेक्स्ट देखना है कौन सा है, एडिशन करनी है। एडिशन का साइन लिखा बच्चों 68 है तो उल्टा लिख लेते हैं तो कभी नहीं आपको गलत होगा। तो 8 लिखा और 6 लिखा, पॉइंट के इधर जो लेफ्ट साइड में है वो लिखा, 8 लिखा 6 लिखा, डेसिमल पॉइंट दिया और नेक्स्ट है 0.5 तो 5 लिखा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखा। अब आपको एडिशन करनी है तो 4 के आगे 5 फिंगर्स बोलिए तो बोल 5 6 7 8 9। तो 9 हो जाएगा। तो 9 लिखा, पॉइंट है वहां दिया बच्चों। अब 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 लिखा। तो 5 के आगे 6 फिंगर्स लेके बोलिए तो 6 फिंगर्स लिए और 5 के आगे बोला 6 7 8 9 10 11। तो 11 आ गया बच्चों। तो क्या करना है, 11 लिखना है और ये है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर लिखेंगे और इसका आंसर आ गया है 1.190.9 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं आंसर 190.9 सेंटीमीटर। अब सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, सेकेंड एग्जाम्पल में दिया है 94.7 मीटर प्लस 1738.1। तो यहाँ फोर प्लेसेस है बच्चों, तो लिखते वक्त आपको याद रखना है और ये मीटर है तो मीटर लिखा बच्चों। अब चलिए एडिशन के यहाँ लिखते हैं। तो 9 लिखा तो जगह बीच में थोड़ी छोड़कर लिखेंगे, 4 लिखा, पॉइंट लिखा और 7 लिखा। अब तो
आगे जो प्लस के है वो बड़ा है बच्चों, तो हम उल्टा लिख लेते हैं, पहले पॉइंट जहां है वहां देते हैं, और ये जो हमारा नंबर है वो उल्टा लिखते हैं, पहले 8 लिखा यूनिट प्लेस का, 3 लिखा टेंस प्लेस का, 100 प्लेस का 7 लिखा, और 1000 प्लेस का 1 लिखना है, और एडिशन का साइन यहाँ लिखते हैं, और पॉइंट के आगे जो 4, 5 है वो है जैसा है वैसा लिखा, 45 जैसा है वैसा हमने लिखा। अब देखना है एडिशन कितनी आती है आपको, तो अगर यहाँ 0.7 है बच्चों तो यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, ये आपको पता है, तो यहाँ 0 लिखा। अब आपको एडिशन करनी है, 5 और 0 5 हो जाएंगे, तो 4 फिंगर्स लीजिए, 7 के आगे बोलिए 8, 9, 10, 11 आ गया, 11 का 1 लिखा, 1 कैरी किया, 4 और 1 5 हो गए, और 5 के आगे 8 फिंगर्स बोलिए, तो बोलिए चलिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गया, तो 13 का 3 यहाँ लिखना है और 1 कैरी करना है, 9 और 1 10 हो जाएगा, और 10 के आगे 3 फिंगर्स बोलने हैं, 11, 12, 13, तो 3 यहाँ लिखा, 1 कैरी किया, तो 7 और 1 8 हो गए, और 1 जो है वैसा ही लिखना है, तो ये 1 कैरी किया है हमने, वो 7 और 1 8 हो गया, और 1 जैसा है वैसा लिखा, क्योंकि वह ऊपर कोई नंबर नहीं है, 7 के ऊपर भी नहीं है, लेकिन ये हमें कैरी करने को लिए है 1। तो आया हमारा आंसर कितना आ गया, 1833.50 मीटर। तो आगे आपको मीटर भी लिखना है, तो ये मीटर में है, तो आपको आंसर ऐसे लिखना है 1833.50 मीटर। तो जो आंसर है वो हमने लिखा। अब नेक्स्ट हमारा 1 एग्जांपल है, 3rd एग्जांपल, तो वो भी देख लेते हैं हम बच्चों। तो 3rd एग्जांपल में है 5158.75, तो ये रुपीस है बच्चों, तो रुपीस पहले लिखने हैं, तो रुपीस 5158.75 प्लस 841.25 है बच्चों, 0.25, तो जब हम मैनेज करते हैं 841.25। अब हमें एडिशन के लिए नीचे लिखना है, तो प्लेसेस 4 है बच्चों, तो अच्छे से लिखिएगा, यूनिट प्लेस की ओर से लिखेंगे, पहले पॉइंट देंगे, और पॉइंट के यहाँ लेफ्ट साइड में है यूनिट, टेंस पता है आपको, तो चलिए 8 लिखते हैं यूनिट प्लेस में, 5 लिखते हैं टेंस प्लेस में, थोड़ी बीच में जगह छोड़ते हैं, और 5 लिखा, 1 लिखा 100 प्लेस में, और ये 5 लिखा 1000 प्लेस में, पॉइंट के आगे जो है लाइट साइड में वो भी लिख लेते हैं, और अब क्या करना है, एडिशन का साइन लिखना है, 841 है वो भी उल्टा लिख लेते हैं हम, तो पहले पॉइंट दिया, 1 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा, और जो पॉइंट के आगे राइट साइड में है वो है 25, और ये रुपीस है, तो क्या है, ये रुपीस है, तो रुपीस लास्ट में लिखते हैं हम,
तो आगे भी आप लिख सकते हो कि रुपीज में, तो ऐसे भी लिख सकते हो, रुपीज लिखा। अब क्या करना है एडिशन, तो फाइव और फाइव 10 हो जाएगा, 1 कैरी किया बच्चों 7 और 1 8 आ गया, 8 और 8 के आगे 2 बोलिए तो 9 10 हो जाएगा, 10 क्या 0 यहाँ लिखा, 1 कैरी किया 8 और 1 9 हो गया, और पॉइंट जैसा है वैसे लिखने को नहीं भूलना है, तो पॉइंट लिखा और जो कैरी किया है 8 और 1 9 हो गया और नीचे का 1 10 हो गया, तो 10 में से 0 लिखा 1 कैरी किया, 5 और 1 6 हो गए तो 6 के आगे 4 बोलना है, 7 8 9 10 10 हो गए, 0 लिखना है 1 कैरी करना है, 1 और 1 2 हो गए बच्चों, और 8 के आगे 2 बोलिए तो 9 10 हो जाएंगे, 0 लिखा 1 कैरी किया, 5 और 1 6 हो जाएंगे, तो यहाँ आ गया है आपका 6000, तो 6000 रुपीज आ गए हैं, तो आंसर में लिख लेते हैं, तो आंसर में ऐसे ऐसे रुपीज लिखा तो भी चलेगा और आगे आप रुपीज लिखते हैं तो भी चलेगा बच्चों, तो 6000 रुपीज आ गए हैं, 6000 रुपीज। तो ये 00 जो है पॉइंट के राइट साइड में, उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, नहीं लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने नहीं लिखा है, तो 6000 रुपीज आए हैं हमारे। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज, पूरा हो गया बच्चों। प्रॉब्लम सेट 41 हमने कंप्लीट किया है, 3 क्वेश्चन थे हमारे यहाँ, तो 3 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आगे का प्रॉब्लम सेट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको एडिशन करते वक्त प्लेसेस का ध्यान देना है, डेसिमल पॉइंट को जैसा है वैसा लिखना है, और आपको सभी एग्जांपल्स अच्छे से देखने हैं, डेसिमल पॉइंट को अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये आपका बेसिक है, अगर आगे आपको जो पॉइंट डेसिमल आया तो आपको नहीं आएगा, इसीलिए हर एक एग्जांपल को अच्छे से देखना है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन आप सभी एग्जांपल्स देख लेना। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, तो आप मेरा वीडियो अच्छे से देख पाएंगे और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो बच्चों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय बच्चों।